हाय गाइस, वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड ऑफ मूवीज बार। और आज के इस वीडियो में हम लोग आइंस्टीन रोजन ब्रिज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आखिर ये किस तरीके का ब्रिज है और इससे क्या क्या हो सकता है, चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं। तो आइंस्टीन रोजन ब्रिज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वॉर्म होल भी बोलते हैं। तो ये वॉर्म होल होता क्या है, काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये टर्म तो आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक बहुत ही अच्छे फैक्ट, आइंस्टीन रोजन ब्रिज या फिर वॉर्म होल के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सुना ही होगा। डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। मेरा मन, मैं किसी भी पाथ से जा सकता हूँ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एग्जैक्टली मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। तो जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट से इक्वल हो सकती है, लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? अगर नॉर्मल फिजिक्स से देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में हमारे पास तीन पाथ हैं, पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री। तो पाथ वन को अगर मैं लेता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, तो सपोज मुझे 5 मिनट लगते हैं। अगर मैं पाथ टू को लेता हूँ तो मुझे 10 मिनट लगते हैं, और अगर मैं पाथ थ्री को लेता हूँ तो मुझे 20 मिनट लगते हैं। तो मिनिमम टाइम मुझे लग रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, वो हो रहा है हमारा पाथ वन से। तो पाथ वन हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, और पाथ टू और पाथ थ्री हमारे कहेंगे डिस्टेंस। तो क्या अगर मैं कहूँ पाथ ए से पाथ बी तक जाने में मुझे और कम टाइम लगे, मतलब 5 मिनट से भी कम लगे, तो ऐसा पॉसिबल है? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ऐसा नहीं पॉसिबल, लेकिन रोजन आइंस्टीन ब्रिज की कॉन्सेप्ट से ये पॉसिबल है। अगर पाथ ए मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी आपस में एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाए इस तरीके से, तो फिर मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो हो गई। तो मतलब मुझे 5 मिनट लगेंगे ही नहीं, मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगेंगे पाथ ए से पाथ बी तक जाने पे। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रोजन ब्रिज, अगर हम पाथ ए से पाथ बी के बीच में एक वॉर्म होल क्रिएट कर दें, तो फिर हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगेंगे पाथ ए से पाथ बी तक ट्रैवल करने में। तो अभी तक अगर मैं पाथ वन कवर कर रहा था तो मुझे 5 मिनट लग रहे थे, लेकिन वहीं पर अगर मैं वॉर्म होल का इस्तेमाल करूंगा, आइंस्टीन रोजन ब्रिज का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे हार्डली 20 to 25 seconds लगेंगे पॉइंट वन से पॉइंट बी तक जाने में। लेकिन मुझे 20 से 25 सेकंड भी नहीं देने हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, मुझे और कम टाइम में ट्रैवल करना है। तो क्या पॉसिबल है ये? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जो वॉर्म होल होता है उसके अंदर हम लोग की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इतनी जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। और वॉर्म होल की जो स्पीड होती है वो वॉर्म होल की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो सपोज कोई अगर वॉर्म होल है वो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में 25 सेकंड ले रहा है, और अगर उस वॉर्म होल की मैं डेंसिटी थोड़ी और बढ़ा दूं, तो फिर उसी वॉर्म होल से पॉइंट बी तक जाने में मुझे अब 15 सेकंड लगेंगे, और मैं अगर उसकी डेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ा दूं, तो फिर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में मात्र 5 से 4 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी और डेंसिटी बढ़ा दूं, तो मतलब मैं टाइम इज इक्वल टू जीरो पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रैवल कर सकता हूं। तो अगर मैं वॉर्म होल की डेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ा दूं, तो फिर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक निगेटिव टाइम में ट्रैवल कर दूंगा, और इसी को कहते हैं टाइम ट्रैवल। तो सपोज मेरे पास कोई वॉर्म होल है उस डेंसिटी का, और मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो जैसे ही मैं सोचूंगा कि मुझे पॉइंट बी तक जाना है, मैं वहां पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि मैं टाइम को निगेटिव में एक्सेस कर पा रहा हूं उस वॉर्म होल की मदद से। तो फिर मैं पॉइंट ए पे भी होगा उस वक्त, और पॉइंट बी पे पहुंच चुका होगा। तो ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन वॉर्म होल का। तो अब बात करते हैं, क्या वॉर्म होल रियली में एग्जिस्ट करते हैं? इसका आंसर है हाँ, वॉर्म होल रियली में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्ट होते हैं, मतलब एटम के भी साइज से भी 10 गुना छोटा। तो ये जो वॉर्म होल होते हैं ये आपस में बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, और इन वॉर्म होल का साइज इतना छोटे होने के कारण अभी किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना या फिर किसी इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करना थ्रू वॉर्म होल इम्पॉसिबल है अभी। लेकिन ऐसा तो मैंने कहीं देखा है, क्या ये डोरेमोन के एनीवेयर डोर का प्रिंसिपल है? ये बताओ तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? दरअसल वो मैं क्या ऐसा तो मैंने थॉर में भी देखा है।
डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखा है। सो आई होप आपको वीडियो ही पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ ऐसे औसम कंटेंट के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड मूवीज पर।